आपका लास्ट टॉपिक है कंबंशन ऑफ एयर पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप उनको समझने के लिए कंबंशन, क्योंकि आपको पता ही चल गया है कि जो भी आपका एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी आपका सब्सटेंस है वो रिलीज करता है और अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करता है। तो कंबंशन ऑफ एयर को समझने से पहले हम फ्यूल जो है वो सॉलिड फ्यूल भी हो सकता है और लिक्विड फ्यूल भी हो सकता है, तो वो काम कैसे करेगा, कंबंशन इक्वेशन समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए इस न्यूमेरिकल को करने से पहले। तो देखिए, अगर सॉलिड फ्यूल है तो देखिए एलिमेंट आपका क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो अगर हमें वेट निकालना है तो किस वे बेसिस पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 किलो कार्बन जलाया तो कितना ऑक्सीजन चाहिए। देखिए 12 ग्राम, 1 मोल कार्बन है, इसका मोलर मास क्या होगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, ये आपको मैंने बताया ही है। तो इसका मास जो होगा वो 12 ग्राम होगा, ऑक्सीजन का 1 एटम का 16 होता है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ O2 है तो 32 हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड 44 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ है, S2 + 1/2 O2 H2O, S + O2 SO2 CO का अगर मोलर मास निकालेंगे तो 28 आएगा। इसको जलने के लिए 1/2 O2 की रिक्वायरमेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। CH4 + 2O2 = CO2 + H2O, तो 16 ग्राम को जलने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए और 44 ग्राम आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये कंपोनेंट्स हैं। अब नीचे वाले कंपोनेंट्स जो है वो मैंने छोड़ दिए, ये आपको मैं लिखना है और बैलेंस करना यहाँ सिखाती हूँ। लेकिन अगर लिक्विड फ्यूल आए तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आप मोल के बेस पे या वॉल्यूम के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए कार्बन का 1 मोल है, इसको जलने के लिए कितने मोल की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, 1 मोल। CO2 बन गया हाइड्रोजन, 1 मोल, तो 1/2 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, H2O बन जाएगा। सल्फर 1 मोल है, इसको जलने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की चाहिए। देखिए कोई बैलेंस, सारी क्वेश्चन बैलेंस है, कहीं कोई जो है वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी क्वेश्चन बैलेंस नहीं है तो डेफिनेट सी बात है आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब कई बार बच्चे जो है वो गड़बड़ कर देते हैं कि कैसे करना है, तो मैं आपको यहाँ एक कंपोनेंट लेती हूँ और उसको सिखाती हूँ कैसे करते हैं। देखिए C2 और H4 दिया हुआ, H2 दिया हुआ, ठीक है, आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे, डेफिनेट सी बात है कंबिनेशन इक्वेशन है, तो आप इसके साथ ऑक्सीजन लिखेंगे और इक्वस का साइन लगाएंगे। उसके बाद आप CO2 कितने मोल लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ, जितने यहाँ पे कार्बन हैं उतने ही मोल आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिए, ठीक, उतने ही मोल आपने क्या लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। और जितने यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, जितने यहाँ पे हाइड्रोजन है उसके जस्ट 1/2 हाइड्रोजन आप यहाँ लिख देंगे, यानी H2O लिख देंगे, H वाटर लिख देंगे। दोबारा बता रही हूँ, जितने यहाँ कार्बन है उतने मोल यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेंगे, जितने यहाँ हाइड्रोजन है H2 है यानी 2 हाइड्रोजन है, उसका 1/2 मोल यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 मोल ऑफ H2O लिख देंगे। अब ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कितने ऑक्सीजन है, 2 और 2 4 और 1 यहाँ कितना है, 5, उसका 1/2 जो है वो ऑक्सीजन हो जाएगा। दोबारा बताती हूँ, दोबारा स्टार्ट करते हैं, C2H2 तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये रहा आपका कार्बन, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2, तो यहाँ पे 2 मोल आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिए, जितने नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन है उसके 1/2 मोल ऑफ H2O लिख दीजिए, तो हो गया बैलेंस। अब आते हैं कि ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे इस तरफ इक्वेशन, तो इस तरफ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 2 एटम है और 2 4 ये हो गए और 1 ये 5, उसका 5/2 कर लीजिए, ये तो आपको इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आते हैं C4H10, तो C4H10 ऑक्सीजन के साथ इक्वेशन करेगा, C4 है यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 CO2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 CO2 लिख देंगे, 10H है तो आप 5H2O लिखेंगे, 5H2O लिख देंगे। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप देख लीजिए 8
13 है, 8 और ये 5 13 है, तो 13 का 13/2 ऑक्सीजन कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। C2H6 पे ऐसे ही आते हैं, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस ट्रिक से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 है, तो 2 मोल आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 6, तो 3 आप वाटर मॉलिक्यूल लिख दीजिए, और ऑक्सीजन बैलेंस कर दीजिए 4 और 5, 6, 7, तो 7/2 हो गया। इस तरीके से जो है वो आप इक्वेशंस को बैलेंस करके अपने न्यूमेरिकल्स को एक्यूरेट कर सकते हैं, एक्यूरेट कर लेंगे। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, इन पॉइंट्स के बेस पे ही आपके न्यूमेरिकल होंगे। एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि होता है 273 केल्विन, और 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे किसी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, किसी भी गैस का, वो होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी, 22.4 लीटर वॉल्यूम वो ऑक्यूपाइड करेगा, चाहे वो 1 मोल ऑक्सीजन हो, चाहे वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो, या कुछ भी हो, कोई भी गैस हो, उसका एसटीपी कंडीशन पे जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, दैट इज 22.4 लीटर्स। अब मैं कहूँ कि किसी भी गैस के 1 मोल का वेट क्या होगा, तो किसी भी गैस के 1 मोल का जो वेट होगा वो इसके मोलर मास के इक्विवेलेंट होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का वेट जो होगा वो 44 ग्राम होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, 1 मोल गैस का वेट क्या होगा, मोलर मास के बराबर होगा। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे क्या होगा, 22.4 लीटर होगा। या आप वेट और वॉल्यूम में कन्वर्जन करना चाहें तो किसी गैस के 1 मोल यानी कि 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी, 22.4 लीटर। तो ये आप ट्राइंगुलर इंटर रिलेशन है बिटवीन द वॉल्यूम मोलर मास और 1 मोल ऑफ गैस में, तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अब क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एयर के साथ मिक्स्ड फॉर्म में मिलती है, तो किसी भी गैस को फाइंड आउट करना है। अब आप जो है और आपका जो कंपोनेंट है वो सब ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करता हुआ आ रहा है, आपने देखा यहाँ पे, तो इसको करने के लिए आपको पहले वॉल्यूम पता करना पड़ेगा, वेट पता करना पड़ेगा कि एयर में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। तो एयर में 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होती है और 23% बाय मास होती है, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपको कहा जाए कि वॉल्यूम ऑफ एयर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप, ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है नेट ऑक्सीजन के साथ 100/21 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा देंगे। अगर वेट पता किया जाए तो क्योंकि 23% बाय मास होती है, तो 100/23 का रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे नेट ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन वेट में अवेलेबल होना चाहिए। मॉलिकुलर वेट जो होता है वो एयर का 28.94 मोल इनवर्स होता है। मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, अगर आपके फ्यूल सैंपल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जो आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट आई है टोटल निकल के बाय फ्यूल सैंपल, उसमें जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको माइनस कर देंगे, आपके पास जो है एक्चुअल ऑक्सीजन या मिनिमम ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ जाएगा। थ्योरेटिकल फॉर्मूला हमने बना लिया कि भाई 12 ग्राम O2 को चलने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 ग्राम O2 को जलने के लिए 32/12 चाहिए, ठीक है। तो अगर 3,000 ग्राम है, 4,000 ग्राम है, तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज कर देंगे ना इसमें। तो ये देखिए हमने एक फॉर्मूला बना दिया है, 32/12 का रेशियो ऐसे आ गया कार्बन का, 8 हाइड्रोजन परसेंटेज माइनस ऑक्सीजन परसेंटेज अपॉन 8 हो जाएगा ये, प्लस सल्फर, ये आपके पास फॉर्मूला है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 kg कार्बन, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राम का रेशियो चल रहा है, तो 3 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे, आपके पास ये ग्राम फॉर्म में आ गया। तो अब देखिए 12 ग्राम कार्बन को जलने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, 12 ग्राम कार्बन को चलने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो ये देखिए 32 ग्राम हो गया है, यहाँ पे भी इसको 32/12 कर लीजिए,
ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम कार्बन को जलने के लिए 32 बाई 12 चाहिए होगा, तो 3000 ग्राम को जलने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास जो भी अमाउंट आ रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 8000 ही आएगा ये भी, तो 8000 ग्राम ऑक्सीजन। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन का अमाउंट आया है और आपको पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा हुआ है, तो वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड, वेट और वॉल्यूम दोनों ही पूछे हुए हैं, तो वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या आया, वेट का कैलकुलेशन किया है, तो 100/23 इंटू वेट ऑफ ऑक्सीजन जो आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल में एयर का वेट आ जाएगा कि आपको इतने केजी या इतने ग्राम जो है वो वेट चाहिए इतने ग्राम कार्बन को कंबशन करने के लिए। अब आते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन निकल के आया किसमें, ग्राम में, ठीक, तो हमने क्या कहा था आपको, एक इंटर रिलेशन बताया था कि जो 1 मोल का मोलर मास होगा उसका वॉल्यूम एसटीपी पे 1 मोल का 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा, तो आप इस रिलेशन का यूज करेंगे। इस रिलेशन का आप जब यूज कर रहे हैं तो देखिए 1 मोल ऑक्सीजन का जो वेट है 32 ग्राम है, ऑक्सीजन को जलने के लिए सॉरी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम विल बी 22.4 लीटर हो जाएगा, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा, 22.4/32 हो जाएगा। अब आपके पास ऑक्सीजन वेट में कितना आया, 8000 ग्राम, तो 8000 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 लीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब, तो आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, चाहे तो आप इससे ही भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, 100/21 × 5.6, यानी इतने मीटर क्यूब हमको गैस ऑफ एयर या एयर चाहिए होगा इतने ग्राम कार्बन का कंबशन करने के लिए। तो ये एक तो ये हो गया कंबशन इक्वेशन की हेल्प से आप कैलकुलेशन करें। दूसरा, एक फ्यूल जो है अगर वो आपको वॉल्यूम में दिया हुआ है, जैसे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मीटर ऑफ गैसेस फ्यूल हैविंग द कंपोजिशन कार्बन मोनोऑक्साइड 46%, मीथेन 10%, हाइड्रोजन 4%, C2H4 2%, नाइट्रोजन 1% एंड रिमेनिंग बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, एलिमेंट्स लिखिए, कंपोजिशन लिखिए, कंपोजिशन का मतलब है कि भैया 1 मीटर क्यूब में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये रहा 100 पार्ट्स ही होते हैं भाई किसी भी चीज़ के, 100 में से 46 पार्ट जो हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं कहूं कि 1 kg में 50% जो है वो बी एलिमेंट है और ये ए बी एलिमेंट है, तो इसमें कितना ग्राम एलिमेंट है, आप क्या बताएंगे, 500 ग्राम बी एलिमेंट है। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स का, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का वॉल्यूम आप निकाल देंगे, तो सीओ का क्या आ गया, 0.46 मीटर क्यूब आ गया, CH4 का 0.1 मीटर क्यूब आ गया, H2 का ये आ गया और ये C2H4 का आ गया। अब आपको इक्वेशन की हेल्प चाहिए होगी, अगर आपको इक्वेशन नहीं याद है या बैलेंस करना नहीं आ रहा है तो सिर्फ वही गड़बड़ हो जाएगी। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को जलने के लिए 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, CH4 को जलने के लिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, H2 को जलने के लिए 1/2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, C2H4 को जलने के लिए आपको 3 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपको बैलेंस करना, देख लीजिए कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, दोबारा बता रही हूँ मैं, यहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स हैं उतने ही मोल आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे, हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 4 हैं, उसके जस्ट 1/2 वाटर मॉलिक्यूल लिख देंगे 2H2O, और ऑक्सीजन कैसे करेंगे बैलेंस, टोटल काउंट कर लीजिए ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हो गया 4 और यहाँ पे कितने हो गया 6, 6 के जस्ट 1/2 कर दीजिए आगे, CO2 हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लिया, तो 1 मोल को जलने के लिए 1/2 मोल चाहिए, तो इतने मोल वॉल्यूम, सॉरी आप यहाँ मोल नहीं लिखेंगे, आप 1 वॉल्यूम लिखेंगे, तो 1 वॉल्यूम अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 1/2 जो है आपको 1/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर इतना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है तो जलने के लिए क्या चाहिए होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली आप यहाँ पे
वॉल्यूम जो ऑक्सीजन का है या नंबर ऑफ मोल्स जो है रिक्वायर्ड है वो मल्टीप्लाई होंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या है, 2 मोल चाहिए ऑक्सीजन के, तो 0.1 मीटर क्यूब से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज़ हाफ चाहिए होगा, तो जो ये वॉल्यूम है आपका हाइड्रोजन का, उसे आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका C2H4 अवेलेबल है उसको ऑक्सीजन के वॉल्यूम से या नंबर ऑफ मोल से, उसको वॉल्यूम से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास क्या आ गया है, ये सब ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड आ गई है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आप इसको काउंट कर लेंगे तो ये एक्चुअल में क्या आ गया है, ये आपके पास टोटल ऑक्सीजन हमको कितनी चाहिए उसका वॉल्यूम आ गया। अब एयर नीडेड, आपके पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, वाई वॉल्यूम जो है वो 21% एयर प्रेजेंट होती है, तो 100/21 फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास जो है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा और ये आपकी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है।